हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C25S फ़ोन में आप लोग ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में भी ब्लूटूथ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रीसेट का, तो रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन होगा गाइस रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का। अगर आप लोगों को यहाँ पर से ये रीसेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोगों को और एक ईजी स्टेप्स बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर सर्च सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर रीसेट लिख देना है। लिखते ही यहाँ पर आ जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, तो इस पर क्लिक कीजिए और ऊपर वाला ऑप्शन देख सकते हैं ब्लिंक हो रखा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नीचे रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, वापस से और एक बार क्लिक करेंगे और हमारा जो ब्लूटूथ सेटिंग है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आपका जो ये ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सी ऑल ऐप्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर से आप लोगों को ब्लूटूथ के ऑप्शन को ढूंढना है। आप लोगों को ऐसे करके नहीं मिलेगा गाइस, एक सेटिंग करना होगा। उसके लिए आप लोगों को इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शो सिस्टम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लोगों के जितने भी सिस्टम के एप्लीकेशन है सब शो हो जाएंगे। तो ये रहा देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टोरेज एंड कैची का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन है, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते हैं ब्लूटूथ का जो भी डाटा वगैरह है, डाटा कैची सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और आपका जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C25S फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।